आप और हम में से कितने लोग हैं जिनको मैथ्स यानी गणित का नाम सुनते ही बुखार चढ़ने लगता है। जब भी मैथ्स का सवाल देखते हमेशा एक ही सवाल आता मन में, आखिर ये मैथ्स बनाई किसने, जो कभी सॉल्व होकर खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। पहले एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, उफ, कभी न खत्म होने वाले ये नंबर्स और उनके क्वेश्चंस। इन सबको आसान बनाया ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से प्रसिद्ध मैथ्स की एम्बेसडर शकुंतला देवी ने। इनकी नंबर्स के साथ बहुत गहरी दोस्ती थी, कुछ सेकंड्स में कठिन से कठिन क्वेश्चन सॉल्व कर देती थी। शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1929 में एक रूढ़ीवादी ब्राह्मण परिवार में बेंगलोर में हुआ था। इनके पिता के ऊपर परिवार का दबाव था कि उनको एक पुजारी बनना है, क्योंकि ये उनका पुश्तैनी काम था। उनके दादा परदादा सब यही काम करते थे। पिता ने पुजारी बनने से विरोध किया और एक सर्कस ज्वाइन कर लिया। कलाबाजी के साथ साथ शेरों को ट्रेन करना और जादू भी दिखाते थे। जब शकुंतला देवी 3 साल की थी, तब एक दिन उनके पिता उनको कार्ड्स यानी ताश का खेल सिखाने लगे। उनके पिता हैरान तो तब रह गए जब शकुंतला देवी ने अपने पिता को उसी खेल में हरा दिया। यकीन न होने पर पिता ने दोबारा वही खेल खेला, तब भी नन्ही शकुंतला देवी ही जीती। पिता की पारखी नजर ने पहचान लिया था कि उनकी बेटी एक जीनियस बेटी है। शकुंतला देवी एक बार कोई नंबर देख लेती तो उनको याद हो जाता। तब पिता ने सर्कस छोड़कर सड़कों पर शकुंतला देवी की प्रतिभा का प्रदर्शन करना शुरू किया। एक नन्ही बच्ची जब मैथ्स के लंबे लंबे कैलकुलेशन करती तो सड़क पर खड़े लोग आश्चर्यचकित रह जाते और शकुंतला देवी को बहुत प्यार देते। बिना किसी शिक्षा प्राप्त किए महज 6 साल की उम्र में शकुंतला देवी यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर गई। वहां अर्थमेटिक कैलकुलेशन मिनटों में सॉल्व करके सभी प्रोफेसर्स को अचंभित कर दिया। 1944 में लंदन, 1950 में यूरोप, 1976 में न्यूयॉर्क गई और अपनी बहुमूल प्रतिभा अर्थमेटिक कैलकुलेशन का प्रदर्शन किया। 1988 में शकुंतला देवी प्रोफेसर आर्थर जेंसन से मिली, जहां प्रोफेसर ने उनकी अर्थमेटिक क्षमताओं को टेस्ट किया, जिसकी फाइंडिंग्स उन्होंने अपने जर्नल में भी प्रकाशित की। क्यूब रूट और सेवन रूट के कैलकुलेशन को प्रोफेसर से पहले सॉल्व करके दिखाया था। सदन मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी में 201 डिजिट का 23rd रूट सिर्फ 50 सेकंड्स में कैलकुलेट करके दिखाया, जो कि सिर्फ कंप्यूटर के यूनिवेक द्वारा ही कैलकुलेट करना संभव था। शकुंतला देवी यहाँ रुकी नहीं, 13 डिजिट के 2 नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन करके शकुंतला देवी ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा के भारत के गौरव को बढ़ाया। चुटकी बजाते ही कैलकुलेशन करने वाली शकुंतला देवी को अर्थमेटिक से तो प्यार था ही, वे एक एस्ट्रोलॉजर भी थी और कई किताबों की लेखिका भी, जैसे पजल्स टू पजल यू, फिगरिंग द जॉय ऑफ, द वंडरलैंड ऑफ नंबर्स, सुपर मेमोरी, इट कैन बी योर्स जैसी मैथ्स को समझने और आसान बनाने के लिए कई और किताबें भी लिखी। उनका मानना था कि पूरी यूनिवर्स नंबर से चलती है, तो एस्ट्रोलॉजी पर उन्होंने एस्ट्रोलॉजी फॉर यू किताब लिखी। द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल किताब तब लिखी जब उनके पति ने होमोसेक्सुअल होने की बात उनसे साझा की। इस बात का बहुत विरोध भी हुआ, क्योंकि समाज ऐसे मुद्दों पर बात करने से हमेशा से ही कतराता रहा है। 83 की उम्र में सन 2013 में इस महान मेंटल कैलकुलेटर का निधन हो गया। शकुंतला देवी के जीवन के बारे में जानकर एक बात तो सिद्ध हो गई,
बच्चों की प्रतिभाओं को उजागर करने में पेरेंट्स की अहम भूमिका हो सकती है। यदि शकुंतला देवी के पिता उनकी प्रतिभा को ना समझ पाते तो एक अनमोल मोती से हम सब वंचित रह जाते। यदि हम सब अपने बच्चों को समय दें, उन्हें समझें, करीब से जानने की कोशिश करें, ऐसी अनेक और प्रतिभाएं सामने जरूर आएंगी। प्रत्येक बच्चा अपने आप में विलक्षण है, उसे उसी की दिशा दिखाने की जरूरत है। यदि शकुंतला देवी को कोई और सब्जेक्ट या कला सीखने को कहा जाता तो आज हम एक महान मैथमेटिशियन को खो देते। यदि कोई बच्चा ड्राइंग बहुत अच्छा करता है तो उसे जबरदस्ती कोई और सब्जेक्ट पढ़ने का प्रेशर ना डालें, बल्कि उससे उसी के इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करें। समाज के प्रेशर की वजह से बच्चे की प्रतिभा को ना खोने दें। उम्मीद है कि हम सब शकुंतला देवी के जीवन से यह शिक्षा जरूर प्राप्त करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।